जब से इंसानों ने होश संभाला है उसने अपने जीने के लिए तीन बेसिक चीजें रोटी, कपड़ा और मकान, इनमें से मकान के फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। जब गीजा के पिरामिड बने थे तो वो उस वक्त 147 मीटर यानी करीब 482 फीट ऊंचे थे और ये इंसानों द्वारा बनाए दुनिया की सबसे ऊंची चीज बन चुकी थी और इसने अपना ये खिताब करीब 4000 सालों तक बनाकर रखा। और फिर उसके बाद करीब 13वीं सदी में 1311 में इंग्लैंड के लिंकन कैथेड्रल ने गीजा के पिरामिड के सबसे ऊंचे होने का खिताब उससे छीन लिया और 160 मीटर यानी करीब 525 फीट की ऊंचाई के साथ अब वो दुनिया की सबसे ऊंची चीज बन चुका था जो कि इंसानों ने बनाया था। और इसके बाद से ही मानो सबके अंदर ऊंची से ऊंची इमारत बनाने की रेस सी लग गई और आज हमने ऐसी बिल्डिंग्स बना ली हैं जिसकी ऊंचाई पहले सोच पाना भी काफी मुश्किल था। लेकिन क्या आसमान की ऊंचाई तक चीजों को बनाना इतना आसान होता है? वेल, आज की वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान कितनी ऊंचाई तक कोई भी चीज बना सकता है। इसे शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी फिलहाल ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स हैं जिसने इंजीनियरिंग और साइंस के लॉज को सीधे सीधे चुनौती दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीजा के पिरामिड्स वो पहले ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे जिसने सबसे ऊंचे होने का खिताब जीता था, लेकिन उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कई सालों बाद 1884 में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर यानी करीब 555 फीट की ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा झूला इतनी ही हाइट का बनाया गया, तो ऑब्वियसली ये मॉन्यूमेंट अब इस दुनिया का सबसे ऊंची चीज नहीं रह गई थी। अगर सबसे ऊंचे स्टैचू की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते तक स्प्रिंग टेंपल बुद्धा ने इसकी जगह ले रखी थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2018 को ही 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ जो अब इस दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है। ये स्टैच्यू इतना ऊंचा है कि अगर कोई इसके ऊपर से कूद जाता है तो उसे धरती पर गिरने में करीब 5 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। लेकिन जिस वक्त रॉक आयरन और स्टील की मदद से आईफिल टावर बना था तो उसने इंसानों को उसकी लिमिट बता दी थी। तब इंसानों ने सोचा था कि शायद बस अब इतना ही है, अब इससे ऊंची कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि आईफिल टावर की ऊंचाई करीब 301 मीटर यानी 988 फीट के आसपास है। खोखली और स्टील के स्ट्रेसेस से बनी ये इमारत नेचर के लॉस को उतना ज्यादा चुनौती नहीं दे रही थी जितनी उसी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग दे पाती, क्योंकि यहाँ से आसानी से हवा इसके आर पार जा सकती है। इससे इस पर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लग रहा है और ये आराम से खड़ी रहती है। इसके करीब 41 साल बाद यानी 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग ने 319 मीटर की ऊंचाई पाकर आईफिल टावर को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। लेकिन इसके अगले ही साल 1931 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को चौंका कर रख दिया। अपने एरोडायनामिक डिजाइन की मदद से ये बिल्डिंग करीब 448 मीटर की ऊंचाई पाने में सफल हुई और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब दुनिया में 1950 के दौर में कुछ अलग हुआ। लोग अचानक से रेडियो और टीवी टावर्स बनाने लगे और ये टावर्स इतने ऊंचे बनाए जा सकते थे जितनी उस वक्त किसी बिल्डिंग के बारे में सोच पाना भी नामुमकिन था। इस दौर में कोई भी बिल्डिंग कभी भी सबसे ऊंची चीज होने का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ कोई न कोई ऐसा टावर मौजूद होता था जो इन सबसे काफी ऊंचा होता था। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये काफी पतले होते थे, इसी वजह से ऊंचाई पर भी हवा का प्रेशर इन पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता था जो इसे हिला सके, क्योंकि इनका सरफेस एरिया भी काफी कम होता था। वार्सो रेडियो मस्ट पिछले कई सालों से इस दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई चीज में से एक था। ये इतना ऊंचा था कि इसके नीचे खड़े होकर आप इसके हाईएस्ट पॉइंट को भी नहीं देख सकते थे। करीब 646 मीटर ऊंचा